हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दुनिया में जो महंगा पानी सब है बिकता है उसके बारे में आज ये वीडियो है। अक्सर मीडिया में चर्चा होती रहती है कि जो भारतीय मशहूर हस्तियाँ हैं वो 4000 रुपये लीटर पानी पीती हैं तो 3200 रुपये लीटर पानी पीते हैं, ये सब मीडिया में रहता है चर्चा में। जैसे विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो 4000 रुपये प्रति लीटर वाला पानी पीते हैं और पानी का नाम बतलाया जाता है एवियन वाटर। उसी हिसाब से मलाइका अरोड़ा के बारे में कहा जाता है कि एवॉक्स ब्रांड की पानी वो पीती हैं और उसका कीमत है 3200 रुपये प्रति लीटर। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो यही सबसे महंगा पानी नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे महंगे पानी की बात करें तो उसका नाम है एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोर्दिग्ल आनी। तो ये एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोर्दिग्लानी जो पानी है ये दुनिया का सबसे महंगा पानी कहा जाता है और एक बोतल की कीमत है 50 लाख रुपये। और पानी के बारे में ख़ास बात यह है कि बोतल 24 कैरेट सोने का बना है। लेकिन हम और दूसरे भी पानी की तरफ बात करें तो जापान का जो पानी है उसको माना जाता है सबसे महंगा। यह है, इसका नाम है फिलिको, दुनिया का सबसे महंगा पानी इसी को कंसीडर किया जाता है। 720 ml के पैक में ये उपलब्ध है और इसका कीमत है भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो 1.15 लाख रुपये इसकी कीमत है। और इसको कोबो इलाके के झरना से इसको इकट्ठा किया जाता है और इसको हम नूनो बिकी वाटर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पानी सब पर ध्यान दें तो नेभास है, 1500 ml का पैकिंग, 97,565 रुपये पड़ता है इसका 1500 ml का। और ये जर्मनी का पानी है, स्रोत है इसका एक्वीफर। इसी हिसाब से ब्लिंग एक ब्रांड है अमेरिका का, तो 750 ml का कीमत पड़ता है 18,107 रुपये। इसी हिसाब से सेवेल बर्डी एक ब्रांड है स्वालबार्ड नॉर्वे का, तो आइसबर्ग इसका स्रोत है और इसका कीमत है 15,296 रुपया 750 ml का। और वो अमेजन नाम का पानी है जिसका 750 ml का पैक आता है और अगर हम बात करें उसके कीमत का तो 9,095 रुपया। और ख़ास बात है इस पानी का कि ये हवा से कैप्चर करके बनाया जाता है, पहाड़ पर जाली लगा दिया जाता है और ब्राज़ील में इसका मतलब बॉटलिंग होता है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें स्कॉटलैंड इंग्लैंड का है, कुआं और झरना से एक पानी इकट्ठा किया जाता है UISGE, तो 100 ml का कीमत है 7,772 रुपया। फिर हम अगर ROI की बात करें जिसका स्लोवेनिया में बॉटलिंग होता है और झरना से इसको इकट्ठा किया जाता है और इस पानी में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है तो 4,878 रुपया 500 ml का कीमत है। उसी हिसाब से उत्तर जर्मनी के 181 मीटर गहरे कुएं से एक जल इकट्ठा किया जाता है जिसका कीमत है 4,134 रुपया 681 ml का और उसका नाम है -181। फिर हम बात करते हैं बर्ग वाटर का, ग्रीनलैंड के आइसबर्ग से इसको इकट्ठा किया जाता है, हिमखंड जब पिघलता रहता है तो उसको पैक कर लिया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसका बॉटलिंग कनाडा में होता है और 750 ml का कीमत होता है 3,803 रुपया। इसी हिसाब से तस्मानिया के झरना से इकट्ठा किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में BLVD, तो 750 ml का कीमत है 2,232 रुपया। और 24 कैरेट वाला सोना का तो हमने अभी अभी बताया जो 50 लाख रुपया है एक बोतल की कीमत। तो इस तरह से दुनिया में आपको महंगा महंगा पानी सब बहुत उपलब्ध है। लेकिन आज इस वीडियो बनाने का मकसद है कि दुनिया भर के सर्वोत्तम पानी में से एक गंगाजल का बहुत ज़्यादा व्यापारिक दोहन नहीं हुआ, व्यापारिक रूप से जो कमर्शियली हम लोग उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके और दुनिया भर में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला पानी है ये। ऐसे
लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता था, लेकिन हम भारतीयों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या यूँ कह लीजिए इसमें मल जल डाल करके उसको गंदा करने का काम किया गया। और हिमालय में हम देख सकते हैं कि ग्लेशियर से 15,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मतलब ग्लेशियर हैं यहाँ पर, जो जल भंडार के पोषक हैं, और इससे अनेकों नदियाँ निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र में लाखों जल स्रोत मिनरल सबसे एकदम रिच है, और ये पानी धरती की कोख से छन करके आता है। इसमें न कोई प्रदूषण है, न इसको मतलब बिना इसको मशीन से छाने सीधे इसको पिया जा सकता है, और इसके पैकेजिंग से लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अगर हम नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, कोसी, शारदा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है ये। हिमालय क्षेत्र में जल संपदा की कमी नहीं है, उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर उचित प्रबंधन हो तो देश को बहुत पैसा हो सकता है, और नदियों को भी रख रखाव होगा, उसका मैनेजमेंट भी होगा। हिमालय का जो प्राकृतिक जलधारा है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, विशेष करके जंगली वनस्पति का राजा कहा जाने वाला जो बांज ओक के जंगल का पानी है। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के शोध से पता चला है कि बांज के जंगलों से निकलने वाला जो पानी है उच्चतम गुणवत्ता वाला है। अगर हम जापान, जर्मनी, अमेरिका, नॉर्वे, ब्राज़ील और अन्य देश के प्रीमियम वाटर की बात करें तो पहले से ये गुणवत्ता में मिसाल कायम कर चुके हैं, और हम अभी अभी हमने चर्चा किया है कितना महंगा करके ये लोग पानी बेचते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें भारत की भूमिका हो सकती है, और इनकम भी हो सकता है। अगर हम ये इन विदेशी पानी सबको देखें तो प्रीमियम उत्पाद के रूप में बहुत ऊंचे दाम पर ये बेच रहे हैं। यूरोप के मालवर्न पहाड़ों में कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिनमें सेंट एन बेल, होली बेल, हैसलाद स्प्रिंग, बॉच ऑफ स्पॉट आदि प्रमुख हैं। और 1850 के दशक से ही मालवर्न हिल से इन प्राकृतिक जल स्रोतों को अत्यंत शुद्ध माना जा रहा है, और उसकी पैकेजिंग की जा रही है, और उससे लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। आवश्यकता है कि भारत में भी इस तरह का प्रयास हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।